पाकिस्तान में सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले के बाद हिंसा शुरू हो गई। हजारों कट्टरपंथी इस्लामाबाद की सड़कों पर उतर आए और देश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। दरअसल कट्टरपंथियों का यह गुस्सा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के उस फैसले के विरोध में दिख रहा था, जिसमें उन्होंने ईश निंदा के एक आरोपी अहमदिया शख्स को आरोपों से बरी कर दिया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के एक शख्स पर किताब के जरिए इस्लाम विरोधी बातें फैलाने का आरोप था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान के हार्डलाइनर भड़क गए और फैसले को बदलने की मांग करने लगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फैली हिंसा की वजह से के पीछे एक अहमदिया समुदाय का शख्स है, जिसका नाम मुबारक अहमद सानी बताया जा रहा है। मुबारक ने साल 2019 में एक कॉलेज में अहमदिया समुदाय की एक धार्मिक किताब तफसीर सगीर छात्रों में बांटी थी। इस किताब में अहमदिया समुदाय के फाउंडर के बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कुरान की व्याख्या की है। आरोप है कि बशीर ने कुरान की अपने हिसाब से व्याख्या की है। मामले के सामने आते ही विवाद छिड़ गया था। मुबारक को किताब बांटने के 4 साल बाद 7 जनवरी 2023 को ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मुबारक की गिरफ्तारी कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग संशोधन एक्ट 2021 के अंदर हुई थी। बशीर ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि जिस कानून के तहत उसे सजा दी जा रही है, किताब बांटने के समय यानी 2019 में वो कानून बना ही नहीं था। बशीर की दलील थी कि कानून न होने की वजह से वो उस समय धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। इसी तरह इस फैसले पर अब विवाद बढ़ने लगा और अब विवाद ये इतना फैल गया कि लोग सुप्रीम कोर्ट के जज का ही इस्तीफा मांगने लगे हैं। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम इस्लाम धर्म से ही निकला एक समुदाय है, जिसको मुसलमान काफिर मानते हैं, यानी जो इस्लाम की मूल बातों से इनकार करें। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इसके अनुयायी पैगंबर मोहम्मद के बाद मिर्जा गुलाम अहमद को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, जबकि मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को ही अपना आखिरी नबी मानते हैं। पाकिस्तान में सड़कों पर उत्पात मचाने वाले लोग भी मुबारक अहमद सानी को उन लोगों में से एक ही मानते हैं जो इस्लाम की मूल बातों से इनकार करते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद को अपना आखिरी नबी नहीं मानते हैं। मुबारक पर ऐसी ही विचारधारा फैलाने का आरोप है। अहमदिया वर्ग की शुरुआत पंजाब के कादियानी कस्बे से हुई थी और आज भारत पाकिस्तान समेत दुनिया में कई देशों के इसमें अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। भारत पाकिस्तान के सुन्नी धार्मिक संगठन अहमदिया समुदाय को मान्यताओं का विरोध करते आए हैं। समय समय पर अहमदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप लगता रहा है। अहमदिया को भारत में इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना उसे पाकिस्तान में मुसीबत झेलनी पड़ती है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के लिए धार्मिक भेदभाव और अत्याचार एक आम बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।